हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक पोएम को जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस वीडियो में हम इस पोएम को लाइन बाई लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेंड्स, यूँ तो पोएम का कोई क्लास नहीं होता है, किसी भी एक ही पोएम किसी भी क्लासेस में आ सकते हैं, किसी भी एग्जाम्स में आ सकते हैं, बट आज मैं इसे विथ ए स्पेशल रेफरेंस टू बिहार बोर्ड क्लास 11 के बुक रेनबो के रेफरेंस में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका डिफरेंस ये होगा कि इसमें आपको भी, चूँकि ये बिहार बोर्ड के लिए है, तो इसमें मैं इसके एक एक वर्ड के मीनिंग को न सिर्फ आपको बताऊंगा बल्कि आपके स्क्रीन पर दे दूंगा, जिससे आप स्क्रीनशॉट्स लेकर उसका सही से प्रोनंसिएशन कर सके, उसके मीनिंग को समझ सके। तो इससे पहले कि इस पोएम को शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर आपको CBSE के क्लासेज 8, 9, 10, 11 और 12, बिहार बोर्ड 11, 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। सारे वीडियोज़, इवन कि CBSE के लिए रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर सेक्शन के वीडियोज़, और साथ में आपको ग्रामर के अलग से वीडियोज़ भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, और गुलमोहर रीडर पार्ट 7 और 8 के हर चैप्टर के वीडियोज़ भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आप इनमें से किसी भी क्लासेज में पढ़ते या पढ़ाते हो तो अभी से हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग पोएम, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पहला स्टांजा है हुज, सबसे पहले इसके टाइटल का मैं बता दूं इससे पहले कि इसको मैं रिकॉर्ड करूं। स्टॉपिंग माने रुकना या रोकना, बाय वुड्स। वुड्स का मतलब आप ध्यान रखेंगे केवल और केवल जंगल होता है। वुड मीन्स आपको लकड़ी भी हो सकता है, जंगल भी हो सकता है, बट जब वुड्स की बात होगी तो केवल और केवल आपको जंगल होगी, यानी फॉरेस्ट होगी। वन यहाँ पर एक छोटा सा वन कह लीजिए, मतलब एक जंगल हो गया बहुत बड़ा, या छोटा सा जंगल कह लीजिए जिस पर किसी का मालिकाना हक भी हो। ऑन ए स्नोई इवनिंग, है ना, स्नोई यानी जिस दिन स्नो गिरे हो, यानी हिम गिरे हो। एक्चुअली स्नो मीन्स हम लोग बर्फ़ कहते हैं, बट बर्फ ठीक नहीं है, हिम गिरा हुआ, यानी इंग्लैंड वगैरह में ज़्यादा जाड़ा पड़ती है। वैसे अपने इंडिया में भी शिमला वगैरह में जो है सो बर्फ, हिम गिरते हैं, स्नो फॉलिंग होती है, बट वहाँ स्पेशली होती है। तो उसी इवनिंग को वो एक जंगल के द्वारा, एक वन के द्वारा रोके गए थे। पोएट उसके बारे में बताते हैं, तो शुरू करें अब। हुज वुड्स दीज आर, किसके वुड्स, ये किसके वन, किसके जंगल हैं ये, आई थिंक आई नो, मुझे लगता है कि मैं उसको जानता हूँ, है ना, थोड़ा सा जान पहचान वाला ये लग रहा है। हिज हाउस इज इन द विलेज, दो, हालांकि उसका ना घर वो गांव में है, दो दो माने यद्यपि, तो उसका घर जो है वो गांव में है। और ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझे यहाँ नहीं देख पाएगा क्योंकि ये तो हमारा मतलब यानी गाँव वहाँ से दूर रहा होगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, तो जब मैं यहाँ पर रुकूँगा, अच्छा रुकूँगा किस लिए, टू वॉच, है ना, ही जूड्स उसके जंगल, यानी वो जिस इस जंगल का जो मालिक है उसका घर गांव में है, तो उस यदि मैं रुकूँगा उसके जंगल को देखने के लिए, उसके वन को देखने के लिए, फिल अप विथ स्नो, जो कि हिम से भरा हुआ है, तो वो मुझे नहीं देख पाएगा। हो सकता है कि दूसरे का ये वो बहुत बड़ा आदमी रहा हो, ये बहुत छोटा आदमी रहा हो, इसलिए कहीं डर लगता हो, अदरवाइज क्या है, किसी का वन कोई देखे उससे होकर के गुजरे तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टांजा है माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, मेरा छोटा सा घोड़ा जो है वो इसे अवश्य ही क्वेयर समझेगा। क्वेयर मीन्स होता है अजीब। आपको बता दें मैं इसके सारे वर्ड मीनिंग्स आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, है ना, विथ प्रोनंसिएशन जो कि मैंने तैयार किया है, ताकि आपको ये सब बाद में मीनिंग के लिए भी, प्रोनंसिएशन के लिए भी आपको यूज़फुल होगा। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट्स लेकर के रख सकते हैं। तो मेरा घोड़ा, छोटा सा घोड़ा, जरूर इसे अजीब समझ रहा होगा टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, है ना, क्योंकि विदाउट ए फार्म हाउस नियर, यानी कि मतलब मैं रुका हूँ ये बीच जंगल में जहाँ पर कोई फार्म हाउस भी नहीं है। फार्म हाउस आप यहाँ पर कहने का मतलब खलिहान, या खलिहान के पास का किसान का घर जो होता है, मतलब खेत वेत जिनके ज़्यादा होते, एक छोटा सा कह लीजिए झोपड़ी नुमा या बड़ा सा ही बना लेते हैं और वहाँ पर अनुमन काट करके रखते हैं बहुत सारे लोग। तो हमारे यहाँ तो जनरली ये अपने घर में ही, बस ये है कि अपना जो हम रहते हैं उसके बगल में बना लेते हैं, है ना, लेकिन कई लोग अपना वो अंग्रेज लोग खेतों के पास ही वैसा बना लेते हैं फार्म हाउस, उनके लिए यही होता है। हालांकि अपने इंडिया में फार्म हाउस का मतलब कुछ और ही होता है, वहाँ लोग पिकनिक वगैरह मनाने के लिए जाते हैं। फार्म हाउस ऐसा होता है कि वो कुछ ज़मीन बड़े बड़े शहरों दिल्ली मुंबई में
बड़े बड़े आदमी वो नेता अभिनेता लोग बनाते हैं या बहुत अमीर लोग भी क्या करते हैं, वो बड़े शहरों से थोड़ी दूरी पर, थोड़ी दूरी नहीं 50 किलोमीटर मान लीजिए ऑन एन एवरेज, उस दूरी पर वो ज़मीन खरीदते हैं बहुत सारा और वहाँ पर क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा खेती करवाते हैं। खेती से उनको कोई ये नहीं है कि उससे कोई कमाई करनी है, बट इसलिए कि वो गाँव का मज़ा मिले। वो लोग गाँव जा नहीं पाते हैं और वहीं बीच में एक घर बना लेते हैं और वही संडे वीकेंड्स वगैरह में सैटरडे जाकर वहाँ पार्टी या बर्थडे वगैरह में पार्टी वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ जब आपके इस पोएम में फार्म हाउस का वो मतलब बिल्कुल नहीं है बल्कि अनाज रखने का। घर तो कहता है कि हमारा घोरा, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, मेरा छोटा सा घोरा इसे क्वेयर समझेगा यानी अजीब समझेगा, टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नहीं है कि यहाँ पर कोई फार्म हाउस है नहीं और वहाँ पर रुकना तो उसको अजीब जरूर लगेगा। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और यही नहीं बिटवीन का हम रुके हुए वुड्स वो जंगल यानी वन के और फ्रोजन लेक, लेक भी बगल में है तो वो कैसा फ्रोजन है, फ्रोजन मतलब हो गया जमी हुई लेक यानी इतनी ठंडी है, बर्फबारी हो रही है यानी कि हिम गिर रहे हैं, पानी भी जमी गए होंगे, इतनी सर्दी जरूर होगी, माइनस में जब भी टेम्परेचर होगा जब भी तो है ना वो मतलब स्नो फॉलिंग होगी तो जम गया होगा। यही नहीं साथ में यह डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर है, इस ईयर का सबसे डार्क सबसे अंधेरी शाम है। नेक्स्ट स्टांजा है ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, है ना, वह जो है यानी कौन तो घोड़ा, वह देता है शेक मतलब हिलाता है क्या, हिज हार्नेस बेल्स, हार्नेस बेल्स का मीनिंग होता है वो जो घोड़े वगैरह के या जानवरों गाय वगैरह के भी आप गले में देखते होंगे घंटियाँ लगाई जाती हैं उनको सजाने के लिए, तो वो अपने आप को अपना गर्दन हिला करके वो एक शेक दे रहा है, हिला रहा है टू आस्क, शायद यह पूछने के लिए इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि भाई मालिक कहीं आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, बस तो इस घंटी के अलावे और कोई साउंड नहीं था, द ओनली साउंड्स द स्वीप, और दूसरा क्या था तो स्वीप का था किस चीज़ का, ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। अब कहेंगे स्वीप मीन्स तो बहारना होता है, यहाँ कौन सा बहा रहा था, कौन सा झाड़ू लगा रहा था, बुहा रहा था, नहीं नहीं नहीं, स्वीप का एक मीनिंग बहना भी होता है, एक तो बहने की आवाज़ किस चीज़ की, ऑफ इजी विंड जो धीमे धीमे हवा बह रही थी, और डाउनी फ्लेक, डाउनी फ्लेक का भी आप निश्चित रूप से उसमें मीनिंग देख लेंगे, नरम कोमल हिमकन जो गिरे हुए थे जो गिर रहे थे उसकी आवाज़ और धीमे चलने वाली, और कोई आवाज़ नहीं थी, बस ये बीच में हार्नेस बेल का आया था। लास्ट स्टांजा है, स्टांजा तो आप समझ रहे होंगे ना, ये जो चार लाइन या छः लाइन या जो भी है एक साथ जब होता है तो यहाँ से यहाँ तक को एक स्टांजा कहते हैं, जैसे पैराग्राफ आपको स्टोरीज में होता है। तो लास्ट स्टांजा है, द वुड्स आर लोनली डार्क एंड डीप, वुड्स जो है वो लोनली हैं, लवली हैं, है ना, बहुत प्यारा है ये जंगल ये वन, है ना, डार्क है ना, गहरा है एंड डीप, है ना, गहरा है और अंधेरा है एक तरह से, मतलब जंगल घना होगा तो ही डार्क होगा, बट आई हैव प्रोमिसज टू कीप, तो मुझे तो यहाँ रुकना चाहिए, लेकिन नहीं भाई मुझे तो प्रोमिसज टू कीप है, मुझे वादा निभाना है, वादा निभाना का मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कोई वो नहीं वादा निभाना मतलब किसी, यानी ड्यूटीज़ है, है ना, वादा निभाने का मतलब कि भाई मैं फैमिली वाले होंगे तो ये हॉर्स से कोई सामान लेके जा रहे होंगे या लेने जा रहे होंगे, तो प्रोमिसज करने यानी मुझे अपने काम है, या वादा निभाने का मतलब कि मुझे कुछ काम है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मिलो जाना है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मिलो दूर या आराम करने से पहले मिलो दूर जाना है, तो कहने का मतलब ये रिपीट करते हैं, अदरवाइज दो बार इसलिए रिपीट करते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ निश्चित रूप से जो है वो रुकता इंजॉय करता यहाँ की ब्यूटी को जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो और हो सकता है कुछ लोगों को इसको प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती हो, तो ऐसे तो मैं रुक रुक कर बताता हूँ, तो लास्ट में मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे पोएम को एक साथ पढ़ देता हूँ जिसे आप चाहे तो सुन करके इसको पढ़ने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हुज वुड्स आर दीज, सॉरी वंस अगेन, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज इन द विलेज दो, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। और ये अब लास्ट में आपको रहा जैसा कि मैंने बताया था वर्ड मीनिंग्स इसके, तो वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट्स लेकर के रख सकते हैं, और यदि आपको मेरे इस वीडियो से कोई हेल्प मिला हो तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो अपने नियर एंड डियर वंस को, अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दें,
और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। हैव अ नाइस डे।